शेर को माँ दुर्गा की सवारी कहा जाता है। यहाँ तक कि जब भी हमारे जहन में माँ दुर्गा का ख्याल आता है तो उनकी शेर के साथ तस्वीर खुद ब खुद हमारे दिमाग में बन जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ दुर्गा के पास शेर कहाँ से और कैसे आया? दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है, तो चलिए आज हम आपको इस कहानी से रूबरू कराते हैं। दरअसल एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक चली इस कठोर तपस्या के फल स्वरूप माँ पार्वती ने शिवजी को तो पा लिया, पर तप के प्रभाव से वो खुद सांवली पड़ गईं। विनोद में एक दिन शिवजी ने माँ पार्वती को काली कह दिया। ये बात माँ पार्वती को इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने कैलाश त्याग दिया और वन गमन किया। वन में जाकर उन्होंने घोर तपस्या की। उनकी इस कठिन तपस्या के दौरान वहां एक भूखा शेर उनका भक्षण करने के इरादे से आ चढ़ा, लेकिन तपस्या में लीन माँ पार्वती को देखकर वो शेर चमत्कारिक रूप से वहीं रुक गया और माँ पार्वती के सामने बैठ गया और उन्हें निहारता रहा। माँ पार्वती ने तो हठ ले ली थी कि जब तक वो गौरी नहीं हो जाएंगी तब तक तप करती रहेंगी। शेर भी भूखा प्यासा उनके सामने बरसों तक बैठा रहा। अंत में शिवजी प्रकट हुए और माँ पार्वती को गौरी होने का वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रसंग के बाद पार्वती माँ गंगा स्नान करने गईं। तब उनके अंदर से एक और देवी प्रकट हुई और माँ पार्वती गौरी बन गईं और इसीलिए उनका नाम गौरी पड़ा। और दूसरी देवी जिनका स्वरूप श्याम था उन्हें कौशिकी नाम से जाना गया। स्नान संपन्न करने के उपरांत जब माँ पार्वती वापस लौट रही थी तब उन्होंने देखा कि वहां एक शेर बैठा है जो उनकी ओर बड़े ध्यान से देखे जा रहा है। शेर एक मांसाहारी पशु होने के बावजूद उसने माँ पर हमला नहीं किया था। ये बात माँ पार्वती को आश्चर्यजनक लगी। फिर उन्हें अपनी दिव्य शक्ति से ये आभास हुआ कि वो शेर तो तपस्या के दौरान भी उनके साथ वहीं पर बैठा था। और तब माँ पार्वती ने उस शेर को आशीष देकर अपना वाहन बना लिया। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। कुछ ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।